हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन एक से लेकर के 286 क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही फास्ट है, यानी कि स्पीड टेस्ट आपका आज होगा। और ये सिर्फ यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस होगा और यूपी में जितने तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में और ये जो प्रीवियस में एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज हम इस पर डिस्कस करेंगे एक से लेकर 286 क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है। तो आप तैयार हैं तो दोस्तों इसको देखते हैं। और जो आगे अभी वीडियो एग्ज़ाम देने वाले हैं या यूपीएससी क्वेश्चन है या यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी रिलेटेड है, या जैसे जूनियर असिस्टेंट लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो सारे में आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है वीडियोज़। तो चलिए शुरू से अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर आप, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 2011 कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कि 16.5%, यानी कि 16.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि 47.72%, यानी कि 47.72%, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो तीसरे का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 15.41%, यानी कि 15.41%, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गाज़ियाबाद, ठीक है, गाज़ियाबाद है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो पाँच का दोस्तों हो जाएगा आंसर ए, ठीक है, 912 है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जनगणना 2011 कौन सा है। तो यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए नंबर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 का, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 57.2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्रावस्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि 20.22%, ठीक है, यानी कि 20.22%, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही है कितनी। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि 21.23%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कितना है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ठीक है दोस्तों, यानी कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 11.34%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में कितनी कम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 5.3%, यानी कि 5.3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, 2001-2011 के मध्य राज्य के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि 139 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का है आपका, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा 902, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का जो आंसर होगा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोलडेवा, और ये कोलडेवा कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी के पास में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी तो कहाँ पर। ये 17 का बी नंबर हो जाएगा, मथुरा कला शैली में, ठीक है दोस्तों, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर है कि साटक्स वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या था। तो 18 का दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वाराणसी, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि क्या थी, ठीक है, तो वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा या श्रावस्ती। तो 219 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि श्रावस्ती, ठीक है, डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो दोस्तों 20 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि हर्षवर्धन, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? तो दोस्तों 21 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि धनदेव ने, ठीक है। फोर्थ नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ था, तो ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा देवगढ़ में, ठीक है, यानी कि सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? 23 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, 23 नंबर अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा 20 नंबर, यानी कि अयाजसा, ठीक है, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 24 का हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था, तो 24 का जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, नगर महोदय श्री, ठीक है, नगर महोदय श्री। दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, तो ये 25 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सराय नाहर राय से, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, तो वह किस नाम से चर्चित था? तो दोस्तों 26 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि मध्य देश में, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मध्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोस्तों मथुरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता था? तो 28 का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि जौनपुर को, ठीक है, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर को, ठीक है। सिराज ए हिंद जो कहा जाता है वो जौनपुर को कहा जाता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कालपी से, ठीक है, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कालपी। 30 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ विस्फोट कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मेरठ में, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि 31 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या था? अवध और बुंदेलखंड, वाराणसी और गोरखपुर, मेरठ और इलाहाबाद, बरेली और आगरा। तो दोस्तों 31 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, अवध और बुंदेलखंड, ठीक है। 32 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जॉर्ज यूले ने, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो 33 का दोस्तों ये नंबर हो जाएगा मेरठ, ठीक है, मेरठ। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो दोस्तों 34 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों 35 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर खान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? तो दोस्तों 36 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, मौलाना हसरत मोहानी की, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर का जो ऑप्शन होगा ए नंबर हो जाएगा, 1922 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो दोस्तों 39 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सत्यभक्त ने, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? तो दोस्तों ये घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ठीक है, तो 41 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि बलिया, ठीक है, बलिया हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे 42 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आचार्य जे बी कृपलानी, ठीक है, डी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी में 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे? ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि 8 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो 44 का जो दोस्तों आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद की किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो दोस्तों यहाँ पे 45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क, ये दोस्तों है इलाहाबाद में, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है?
तो 146 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, बुंदेलखंड, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो 247 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा आगरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो 48 का आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 23.52 उत्तरी अक्षांश से, 30.28 उत्तरी अक्षांश तथा 77.30 पूर्वी देशांतर से, 84.39 पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 51, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 51 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो 52 का आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि 8 राज्यों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि चौथा स्थान है, ठीक है, फोर्थ नंबर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो 54 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नेपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किन प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, ठीक है, तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि गोंडवाना लैंड, ठीक है। 56 नंबर है, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों 56 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, तराई क्षेत्र में, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, 650 किलोमीटर, ठीक है। 59 का आंसर जो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे 59 का आंसर होगा ए नंबर, मिर्जापुर और सोनभद्र। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 60 नंबर, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, ठीक है, तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किन मानसून से होती है, तो 61 नंबर का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है, तो 62 का आंसर है दोस्तों सी नंबर, यानी कि 75-80%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के विवरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है, तो 63 का आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि 2, ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो 64 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गोरखपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 65 का आंसर होगा सी नंबर, पश्चिमी गंगा मैदान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तराई क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे 67 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी गंगा मैदान, ठीक है। 68 नंबर है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, तो 68 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गंगा, ठीक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों ये है डी नंबर, यानी कि सरयू नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 70 नंबर का वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लखनऊ, और लखनऊ दोस्तों स्थित है गोमती नदी के किनारे, ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किन नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे उसका नाम हो जाता है संगम नाम, ठीक है, संगम है इलाहाबाद में, और जहाँ पे गंगा यमुना नदी का मिलन होता है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे 72 का सी नंबर हो जाएगा, गोमती जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है, तो 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, राजघाट बांध परियोजना, ठीक है। 74 नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उसके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, तो गलत जोड़ा कौन सा है, ठीक है, तो 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, शारदा कौड़ियाला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा
किन नदियों के मिलन से बनी है? तो दोस्तों 75 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अलकनंदा भागीरथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा 76 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे 76 की बात करें तो सी नंबर हो जाएगा, पहले गंगा है, फिर यमुना, फिर चंबल, फिर राप्ती। ठीक है, ये हमारी नदियों के क्रम है। अगला क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों 77 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1985 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 78 निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी विहड़ों का निर्माण करती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यमुना नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो 79 का ए नंबर हो जाएगा बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ ब्यासी परियोजना से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? ठीक है, तो 80 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, माता टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों 82 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, शारदा नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? ठीक है, तो 83 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 20.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन हमारा, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस देशों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों 84 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन के से सर्वाधिक प्रभावित है? तो 85 का जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, इटावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नगर है और यहाँ पर नदी है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है, ये सही है। ठीक है, और आगे देखिए विठूर, ठीक है 86 में, तो देखिए विठूर जो है वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जौनपुर जो नदी है दोस्तों यहाँ पे वो हमारा सी नंबर होगा, वो सही नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, और कौसाम्बी भी क्या है वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों जौनपुर, यानी कि सही नदी के किनारे नहीं है, तो आंसर हमारा ये गलत है सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो दोस्तों 87 का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल परवा मार राकर तथा भोंटा कहाँ की मृदाएँ हैं? ठीक है, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 88 का ए नंबर हो जाएगा, बुंदेलखंड की। ठीक है, 89 नंबर है, परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। दूसरा है, इस मृदा में ज्वार खरीफ तथा चना रवि की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 89 का सी नंबर हो जाएगा, ए और दो दोनों ही जो है क्या है सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुँच पाता है वहाँ की मृदा को कहा जाता है? तो यहाँ पे 90 का सी नंबर हो जाएगा, मूढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 91 नंबर है, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो 91 का आंसर होगा ए नंबर, यानी कि पोटास एवं चूना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो 92 का जो आंसर होगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राकर यानी कि राकड़ मृदा लाल भरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। दूसरा है, इस मृदा में तिल खरीफ और चने रबी की खेती की जाती है। तो 93 में जो आंसर होगा दोस्तों वो 93 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए और दो दोनों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सही और ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में 60% सिलिकेट और 15% लोहा और 25% एल्युमिनियम पाया जाता है? तो दोस्तों ये 94 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मार, यानी कि माड़ मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होती है। तो दोस्तों 95 का जो हो जाएगा ये पहला भी सही है, और दूसरा क्या है, प्रदेश में आगरा मथुरा इटावा आदि जिले इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोनों ही सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए और बी यानी कि दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 96 का आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि काली मृदा। ठीक है, काली मिट्टी। 97 का आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो 97 का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कावा तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियाँ के स्थानीय नाम है? ठीक है, तो 98 का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो 100 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपक्षयन का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों 101 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो दोस्तों 102 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायतों और नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह सामुदायिक वन कहलाते हैं। ठीक है, सामुदायिक वन कहलाते हैं, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 104 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, नम शीतोष्ण। ठीक है, 105 है, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध किससे है? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपने परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम जामुन पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किन वन प्रदेश में मिलते हैं? तो 106 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, 25 नवंबर 1974 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6.88%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूरा वनस्पति वीरवल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है? तो दोस्तों 109 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लखनऊ में। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा डी नंबर, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 110 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? तो दोस्तों 111 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुकरेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है? तो 112 का जो आंसर होगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होते हैं? तो 113 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 33.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, इटावा में। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे डी नंबर, गंगा एक्शन प्लान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 116 का जो आंसर है ए नंबर, संत कबीर नगर। ठीक है, यहाँ पे संत कबीर नगर लिखा हुआ, लेकिन संत कबीर नगर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 117, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित है? दोस्तों 117 का आंसर है सी नंबर, यानी कि 13। ठीक है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों 118 का सी नंबर है, यानी कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्या है? तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, कछुआ वन्यजीव विहार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 121, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि रेणुकूट में। ठीक है, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, रेणुकूट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो 122 का जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि ललितपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में से में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए किया होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 123 का जो आंसर होगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, बालू में मिश्रित सर कर सीमेंट बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र में से प्राप्त होता है? तो 124 का जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? तो 125 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मिर्जापुर में। ठीक है, 126 का सी है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस क्षेत्र में निकाला जाता है? तो दोस्तों 127 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बांदा में। ठीक है, बांदा में हीरा निकाला जाता है। 128 का है, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो 128 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि सोनराय ललितपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में
ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं। तो 129 का जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा हमीरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों 2001 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्या हैं, तो 131 का आंसर होगा बी नंबर यानी कि लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट। ठीक है, 132 है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं दोस्तों चुनार में बनाए जाते हैं यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 133 उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो दोस्तों यहाँ पे 133 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है, सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर हमीरपुर एवं झांसी। अगला क्वेश्चन है एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले में होती है, तो 135 का आंसर होगा दोस्तों सी नंबर यानी कि मिर्जापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओबरा ताप विद्युत क्षेत्र केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो 136 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है, तो 137 का आंसर हो जाएगा डी नंबर अलीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है, तो 138 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि नौवां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश की किस नहर पर स्थापित किया गया है, 139 का ए नंबर हो जाएगा शारदा नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है, तो 140 का आंसर होगा डी नंबर यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो 141 का आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि सोनभद्र पीपरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल सम्मिलित है, तो दोस्तों 142 का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ए नंबर गंडक परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, तो वो है नरौरा में। ठीक है, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नरौरा में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये है नरौरा में, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा में है। अगला क्वेश्चन है बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है, तो 244 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा रोजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया, तो 145 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 1998 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी दोस्तों 1983 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा बरेली में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया, तो यहाँ पे किया गया था 1959 ईस्वी में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया था, तो 149 का आंसर हो जाएगा डी नंबर सस्ती जल शक्ति की उपलब्धता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का रामपुरा जो भारत में प्रथम गाँव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ पर स्थित है, तो 150 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या है, तो 151 का ए नंबर हो जाएगा प्रथम। ठीक है, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 का उत्तर प्रदेश में कृषि नीति की व्यवहारिक रूप स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो 152 का आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए नंबर पंतनगर विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश में चावल उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 153 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि चौथा स्थान है। ठीक है, फोर्थ नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में फसल समूहों में किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है। ठीक है, तो 154 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जौ गन्ना मसूर और गेहूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वह क्या है, वह है डी नंबर यानी कि गेहूँ। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है, तो 156 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो 157 का बी नंबर हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों 158 का बी नंबर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो 159 का डी नंबर हो जाएगा 18 जून 2001 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है, तो 160 का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों आंसर यानी कि दशहरी और नीलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, तो 100
61 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, शीतोष्ण जलवायु वाले। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब अगले देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर है, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? तो 162 का दोस्तों आंसर हो जाएगा 19%, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 163 का जो आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, 1 मई 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो 164 का बी नंबर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो 165 का ए हो जाएगा, महोबा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि सुधार संबंधित किसान हित योजना कब शुरू की गई थी? तो 166 का सी नंबर हो जाएगा, 2007-08 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो 167 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मथुरा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर है? तो 168 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वाराणसी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो 169 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि खुर्जा। ठीक है, खुर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है? तो वह रखता है दोस्तों बी नंबर, यानी कि दूसरा स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 20 जनवरी 1968 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है? तो यह 173 का आंसर होगा ए नंबर, मेरठ में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो 174 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? तो इसका आंसर है बी नंबर, यानी कि मिर्जापुर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 176 का आंसर होगा डी नंबर, बेंत व छड़ियाँ वाराणसी में। ठीक है, बाकी गोटे का काम लखनऊ वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्ति मथुरा में बनती है, ताला जो है अलीगढ़ का है। ठीक है, तो डी हमारा कौन सा जोड़ा गलत है? बेंत और झाड़ियाँ, ये वाराणसी, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 177 का आंसर जो होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्न में से कौन सा है? तो 177 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, हथकरघा उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो 178 का आंसर होगा बी नंबर, यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, गलत बताना है तो 179 का आंसर होगा सी नंबर, मॉडर्न बेकरी लखनऊ। ठीक है, ये गलत है आंसर, बाकी सारा इंडियन टेलीफोन। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, ये भी सही है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में भी सही है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में भी सही है, बट गलत कौन सा हमारा दोस्तों? मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो 180 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ऋषिकेश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहां पर है? तो 181 का जो हो जाएगा ए नंबर, कानपुर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 182 का बी नंबर, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिज़ाइन CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर है? तो 182 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि कानपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 183 का जो आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा बी नंबर, यानी कि नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था? तो 184 का आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, 1 जनवरी 2008 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSID द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 85 का बी नंबर ऑप्शन, एपेरेल पार्क, यानी कि नोएडा में। ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे जो हैं, बायो टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 186 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है कानपुर में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया है? तो 187 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 जून 1970 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो 188 का ए नंबर हो जाएगा, उत्तर रेलवे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस सरकार के सहयोग के बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस आरंभ की थी? तो ये दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य
उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद में स्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 191 का जो आंसर होगा डी नंबर, इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है, ठीक है, अब प्रयागराज हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 192 नंबर है, ठीक है, 192 नंबर क्वेश्चन का है, राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो 192 का ए नंबर, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ योजना निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? 193 का डी नंबर हो जाएगा, सड़कों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो 194 का जो आंसर होगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा, नोएडा एवं गाजीपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि रायबरेली में, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो वहाँ पे है बी नंबर, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है डी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो 199 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ठीक है, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो 200 का आंसर होगा सी नंबर, यानी कि कानपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तर प्रदेश में पैराटूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो 201 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आगरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो 202 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सहारनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 203 का, उत्तर प्रदेश में औपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 1985 ईस्वी में, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो 204 का 200 आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, 1995 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो 206 का ए हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई थी? तो 207 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1982 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है बी नंबर, राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये है ए नंबर, यानी कि इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प योजना संबंधित है किससे? तो यहाँ पे 210 का जो आंसर होगा ए नंबर, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। यानी कि कल्प योजना स्थित है वो है दोस्तों हमारा प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, चित्रकूट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो 212 का सी नंबर हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो 213 का है आंसर, सी नंबर, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ए है ए नंबर, 4 आर्थिक क्षेत्रों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन किया गया था 1971 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? 216 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1982-83 ईस्वी में, ठीक है। 217 का है, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? तो 217 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो 218 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पश्चिमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में की सरकार का की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त कहाँ से होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापार कर से, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 नंबर का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया गया? तो 220 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से
कौन सा सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 221 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ये एक और वह दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है, तीसरा क्या है दोस्तों गलत है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, एक और दोनों सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर 1999 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी नंबर केंद्रीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई थी, तो 224 का जो आंसर होगा ए नंबर 1990-91 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 225 का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई थी, तो 225 का जो है वो ए नंबर है 2 जनवरी 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 का उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित कब किया गया था, तो 226 का दोस्तों सी नंबर है 1976 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग गठन कब किया गया, तो 227 का आंसर होगा ए नंबर 2004 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो दोस्तों 228 का जो आंसर होगा वो सी नंबर पेंशन तथा बीमा लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है, तो 229 का आंसर होगा दोस्तों बी नंबर संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 सितंबर 2011 को निश्चित की गई नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगे जिनकी आय कितनी होगी, 230 का ए नंबर हो जाएगा 5000 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो 231 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा कानपुर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर गोरखपुर नक्षत्रशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो 233 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आंसर होगा अलीगंज में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वान परियोजना का संबंध है किससे, कुत्तों के विकास से, कंप्यूटर नेटवर्क से, कृषि विकास से, बागवानी विकास से, तो 235 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जैन सारी जनजाति निम्न में से किस देवी देवताओं की पूजा करती है, तो 236 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि दुर्गा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व पंचोई और दिया उत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा 237 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा जौन सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासो घुमसू झेला घोड़ो घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, तो दोस्तों 238 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी नंबर जौन सारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जोड़ों का सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए घुमसू नृत्य है, विश्व त्यौहार है, पांडवाना लोकगीत है, पंचपुत्री जौन सारी देवी है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा 239 का वो सी नंबर हो जाएगा पांडवाना जो है ये लोकगीत यह गलत है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है, तो दोस्तों 240 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि बिजनौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन से जनजाति को बनरोध के नाम से भी जाना जाता है, तो 241 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि राजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़ा बताइए, राजी गोरखपुर बुक्सा बिजनौर थारू बांदा भोटिया बाराबांकी, तो 242 का जो आंसर होगा बी नंबर, ठीक है बुक्सा ये जोड़ा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो दोस्तों 243 का जो आंसर होगा बी नंबर यानी कि गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है 244 उत्तर प्रदेश की में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1986-87 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में रड़बड़ चित्र यानी कि युवा मिलन गृह की प्रथा पाई जाती है, तो 245 का आंसर होगा ए नंबर यानी कि सौ का। ठीक है दोस्तों, अगले देखते हैं उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां राना राना या कठरिया और डिगोरा है। ठीक है दोस्तों, तो 246 का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि थारू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो 247 का आंसर होगा ए नंबर यानी कि थारू जनजाति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, तो ये 248 का सी नंबर हो जाएगा यानी कि
कौन सा जाएगा दोस्तों, माही गिर, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माही गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्णन विभाजन है, तो 249 का आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि बुक्सा, ठीक है दोस्तों। 250 का आंसर होगा, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2003 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है, तो 251 का दोस्तों आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौमी सारण कहाँ स्थित है, तो 252 का आंसर हो जाएगा ए नंबर सीतापुर में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 253 का, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो 253 का ए नंबर है लखनऊ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों एवं वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 254 का आंसर हो जाएगा डी नंबर इलाहाबाद यानी कि सारनाथ स्तूप, ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्न में से किस नगर में होती थी, तो दोस्तों 255 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा यानी कि नैनीताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो 256 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि बाराबंकी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 257 है, स्वर्गीय शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्न में से कहाँ पर हैं, तो 257 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि जौनपुर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों विठूर में, ठीक है, विठूर में। अगला क्वेश्चन है 259 का, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, तो 259 का आंसर हो जाएगा जौनपुर को, ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे बताइए 260 का आंसर हो जाएगा सी नंबर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। जेके मंदिर लखनऊ में है, वृंदावन मथुरा में है, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, 260 का आंसर जो होगा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना था दोस्तों, तो वृंदावन मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यहाँ पे वाराणसी में है, ठीक है, ये भी सही है, जेके मंदिर जो है ये लखनऊ में, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा होगा जेके मंदिर ये है कानपुर में, ठीक है दोस्तों, जेके मंदिर कानपुर में है, ठीक है, ये गलत हमारा, ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, तो दोस्तों 261 का जो आंसर होगा डी नंबर 1 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 का, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, बताइए दूसरी मुख्यमंत्री कौन थी, तो 262 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डी नंबर यानी कि कुमारी मायावती, ठीक है, महिला, यहाँ पे महिला की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति द्वारा होता है, तो 263 का जो आंसर होगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचन संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है, तो 264 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्न में से कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे दोस्तों वो थे हमारे ए नंबर विश्वंभर दयाल, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो दोस्तों 266 का डी नंबर हो जाएगा 403, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो 267 का आंसर हो जाएगा ए नंबर लखनऊ तथा कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है, तो 268 का आंसर ए हो जाएगा अलीगढ़, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो 269 का आंसर हो जाएगा डी नंबर राशि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया, तो 270 का ए नंबर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, तो 271 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा यानी कि 95, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई थी, तो 272 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर 1987 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया था, तो 273 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा जिला पंचायत, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है, तो 274 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यानी कि फैजाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो 275 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि सोनभद्र में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है, तो 276 का आंसर जो होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं, तो 277 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि मथुरा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हेलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली आयोजन किस स्थान पर होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बरसाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 279 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, आगरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है, तो 280 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कत्थक शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों 281 का आंसर होगा डी नंबर, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद किस शैली से संबंधित है, तो दोस्तों 282 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि मुगल शैली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो 283 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ढोला मारू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 284 का जो आंसर होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, कर्मा महोबा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, तो 285 का दो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, बहराइच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों 286 का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, नौटंकी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोगों ने देखा भी इसको। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, और अभी और भी इसी तरह से क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, थैंक यू वेरी मच।